WATTT सलमान शाहरुख क्या काजोल ने तीसरी बार अजय देवगन को किया रिजेक्ट। काजोल और अजय देवगन को साथ में देखने के लिए फैंस जितना इंतजार कर रहे हैं ये इंतजार और मुश्किल हो जाता है। अब खबर है कि एक बार फिर काजोल और अजय देवगन के साथ वाली फिल्म कैंसिल हो गई है। खबर है कि काजोल ने एक बार फिर अजय देवगन के साथ एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट ज्यादा पसंद नहीं आई और ऐसा तीसरी बार हुआ है। अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी बाकी प्रेम कहानियों से काफी अलग है। वैसे अजय देवगन काफी शांत इंसान माने जाते हैं पर सेट के उनसे ज्यादा मजाक कोई और नहीं कर सकता। उनका नाम इस मामले में काफी ऊपर आता है। हालांकि अजय देवगन और काजोल एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है पर बॉलीवुड के सबसे प्यारे और सबसे स्कूल कपल में उनका नाम शुमार है, इसलिए उन्हें साथ में देखने के लिए फैंस इंतजार कर रहे हैं। अब एक और स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाने से ये इंतजार और लंबा हो गया है। वैसे काजोल के फिल्में रिजेक्ट करने की लिस्ट काफी लंबी है। अरबाज खान ने दबंग 3 में एक रोल के लिए अप्रोच किया था और ये रोल था नेगेटिव लीड का। सूत्रों की माने तो काजोल को रोल में दम नहीं लगा और उन्होंने साफ कहा कि सलमान खान के आगे ये रोल फीका लग रहा है और इसलिए उन्होंने फिल्म को कर दिया ना। वैसे भी अभी वो दिलवाले की गलती से उभरी नहीं है, ये शायद वो फिल्म है जिसे रिजेक्ट कर काजोल को सबसे कम नुकसान हुआ। हालांकि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बेहतरीन माना था। माधुरी दीक्षित के साथ टक्कर लेने की जरूरत कोई नहीं करना चाहता। वैसे काजोल ने दूसरी फिल्म करिश्मा को दे दी। संजय लीला भंसाली की ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म काजोल ने रिजेक्ट कर दी थी, साथ में सलमान को भी। मनीषा कोइराला को भी काजोल ने ये दूसरी फिल्म दे दी। दिल से मैं वो नेगेटिव किरदार नहीं निभाना चाहती थी। सबसे पहले इस फिल्म में काजोल को ही लिया जाना था लेकिन उनके रिजेक्ट करने के बाद ऐश ने शूटिंग शुरू की थी, फिर तो जो हुआ था इतिहास है। ना ही काजोल को ये फिल्म पसंद आई थी ना ही इसकी कहानी। उन्होंने साफ कहा था कि इस तरह का धोखा किसी को देने का हक नहीं है। राज की सिमरन बनने के बाद वो राज की मेघा बनने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। शाहरुख ने ये फिल्म रिजेक्ट की जिसके बाद काजोल ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी है।